पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार बहुत सारे नियम बदलने वाले हैं। 1 अप्रैल से ही ये नए नियम लागू हो जाएंगे। इनमें से कुछ नियम उत्साह बढ़ाने वाले हैं तो कुछ नियमों से परेशानी भी बढ़ेगी। आइए नया वित्तीय वर्ष आपके लिए क्या लेकर आया है दिखाते हैं। वैसे तो 1 अप्रैल को लेकर हम बहुत सजग रहते हैं कि हमें कोई बेवकूफ ना बना दे, लेकिन नए वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2019 से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बदले हुए कुछ नियमों से आपको राहत मिलेगी तो कुछ नियमों से परेशानियां भी बढ़ेंगी। 1 अप्रैल से आपको टैक्स में राहत मिलेगी। नए नियम के तहत 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री है। बैंक और डाकघर में जमा पर 40,000 रुपए तक का ब्याज कर मुक्त है। किराए पर TDS की लिमिट 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दी गई है। बैंक अब MCLR के बजाय RBI के रेपो रेट पर ऋण देंगे। रेपो रेट घटाने के बाद बैंकों को ब्याज दर घटानी होगी। अभी बैंक ही तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी है और कब घटानी है। घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। निर्माणाधीन मकानों पर GST दर 1% और अन्य वर्ग के मकानों पर 5% घटा दी जाएगी। घर के निर्माण लागत में कमी आएगी। रेलवे में संयुक्त PNR जारी होगा। कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर टिकट की रकम वापसी होगी। नौकरी बदलने पर अब आपका PF अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। जीवन बीमा पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी लेना सस्ता होगा। नियम में परिवर्तन का फायदा 22 से 50 साल के लोगों को होगा। सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मिलेगी। अब उन नियमों पर भी ध्यान देना जरूरी है जिनसे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इनमें से ही एक है आधार और पैन को लिंक करना। लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च तय की गई है। लिंकिंग नहीं होने पर पैन कार्ड रद्द हो सकता है। ऐसे ही अगर आपने 31 मार्च तक आयकर का रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। प्राकृतिक गैस की कीमत में 18% तक की बढ़ोतरी की आशंका है। PNG और CNG की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। सार्वजनिक वाहनों में किराए में भी वृद्धि संभव है। टाटा मोटर्स, जगुआर, लैंड रोवर इंडिया, टोयोटा जैसी कारें महंगी हो सकती हैं। अपने चुनिंदा चैनल की जानकारी ऑपरेटर को देनी होगी। 1 अप्रैल 2019 से चैनल बंद हो सकते हैं। हवाई सफर महंगा होने की संभावना है। सरकार की समिति ने ज्यादा PSF लेने की सिफारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, 1 इंडिया न्यूज़।